हाथ में पकड़े फिर रहे हैं, इनको देखा नहीं, ये फैसला कैसा है? जिस पर हमने कहा कि आप आरओ से फॉर्म 45 मंगवा लें और आप फैसला कर लें, जो करेंगे हम आपको दे के जा रहे हैं, आप फैसला कर लें जो करना है। अल्लाह को भी जवाब देना है। खुदा के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके, 1970-71 में यही कुछ हुआ था, रिजल्ट उसका इलेक्शन का बांग्लादेश आया था। 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसा इलेक्शन कराया था, 3 माह हुकूमत चली थी। ये अवाम का मैंडेट जो चोरी किया है इन लोगों ने, जिसके जरिए चोरी करवाया है, रात को रिजल्ट कुछ और हैं, हमारे हाथों में रिजल्ट कुछ और हैं। ये सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। रिपोर्ट मांगी गई थी, आरओ को कहा गया था कि सब जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुला के आप उनके फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मैनेज करें। तहरीक लब्बैक के लोग मौजूद हैं, जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग मौजूद हैं, मरकजी मुस्लिम लीग के लोग मौजूद हैं, बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सब आरओ के दफ्तर में गए और आरओ को अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखाए, तो सबके फॉर्म एक जैसे हैं। जो आरओ ने अपने पास फॉर्म बनाया हुआ है उसके ऊपर उसने क्या किया हुआ है कि जहां कैसरा इलाके 399 वोट्स हैं, 3 को उसने सिफर कर दिया है, उसके दूसरी साइड पर सालिक के अगर 40 वोट हैं तो 3 उठा के उधर कर दिया है, 340 कर दिए, पूरे फॉर्म के अंदर कटिंग करके एक रिजल्ट मैनेज किया गया है। उसके ऊपर हमने वहां पर एप्लीकेशन दी आरओ की कि आप इसके ऊपर कंसोलिडेट करें और यही रिजल्ट बना के रिपोर्ट भेजें, लेकिन आरओ साहब जिस तरह लाडले आरओ बनाए गए थे इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उन आरओ ने सारा इलेक्शन मैनेज किया, कल उन्होंने यहाँ रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई, तो यही इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने उनको बुलाया था और वो ना आए, उनको शोकत नोटिस दिया। आज शोकत नोटिस के बाद हमें पता चला कि वो फैसला महफूज कर लिया गया है। आज हमने बेंच ये रिक्वेस्ट की कि अगर लाडलों के इलेक्शन के जरिए आपने लाडले आरओज के जरिए ये सब कुछ करना है और यहाँ वकीलों को फिर आप सारा टाइम क्यों जाया करा रहे हैं? मुल्क का अरबों रुपया जाया कर दिया आप लोगों ने और आरओज रात को बैठ के एक सफ़े के ऊपर रिजल्ट चेंज कर रहे हैं, तो फिर यही करना था तो इतना लोगों को सड़कों पर लाने की क्या जरूरत थी? तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो फॉर्म 45 का ये सब कैंडिडेट्स का पास जो रिजल्ट है उसके मुताबिक रिजल्ट कंपाइल कर लें। अब बेंच कह रहे हैं कि हमारे पास आज टाइम नहीं है, हम इसको आगे लेके जाएंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी उनसे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराने की जिम्मेदारी थी वो नहीं करा सके हैं, लिहाजा आप खुदारा अवाम को इकट्ठा रहने दें और ऐसे हालात पैदा ना करें और फॉर्म 45 के मुताबिक सब पार्टीज का बैंडेट